पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो अगर आपके पास कोई अनपोलराइज लाइट आती है तो और वो पार्टिकल्स को हिट करती है, जो पार्टिकल्स जो एटम्स हैं जिसको वो हिट करेगी, जो पार्टिकल एटम के बने हुए हैं, उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट भी करवा देती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अफेक्ट करता है। तो होगा क्या, वहाँ से टकरा के लाइट क्या होती है, वो स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है हर तरफ। अगर आप लाइट को जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है अनपोलराइज्ड, उसको 90 डिग्री पे देखें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें, तो लाइट आपको पोलराइज दिखाई देगी, और बाकी डायरेक्शन में देखें तो पार्शली पोलराइज दिखाई देगी, पूरी नहीं होगी, पार्शली होगी, कुछ हद तक फिल्टर हो जाएगी, कुछ हद तक नहीं भी होगी, पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पूरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज होगी। तो यही वो कह रहा है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल हुज साइज इज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा है और पार्टिकल का साइज भी अप्रॉक्सीमेटली लैम्डा है, तो लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। व्हेन स्कैटर्ड लाइट इज सीन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, इट इज फाउंड टू बी प्लेन पोलराइज, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, दैट्स इट। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक।